फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें हम एक बूंद भी ऑयल, घी, बटर किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी केक बनेगी। ये देखिए, जीरो ऑयल केक है ये। इसमें बिल्कुल भी घी तेल का यूज़ हमने नहीं किया है और बहुत ही हेल्दी केक है और इसे बनाएंगे हम सूजी से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी केक बनने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर एक पैन में हम एक कप दूध डालेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने एक कप मेजरिंग कप से नाप कर दूध लिया है। आप कोई भी घर की कटोरी ले सकते हैं, थोड़ी मीडियम साइज़ की कटोरी ले जिससे कि थोड़ा बड़ा केक बने। ये देखिए, अब जो दूध है वो अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से अच्छे से धुआं निकलने लगा है। तब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप चीनी और गैस को हम बंद कर देंगे। अब उसी कप से नाप कर 3/4 कप चीनी हमने लिया है और गैस को बंद कर दिया है और एक कप हमने उसी कप से नाप कर यहाँ पर लिया है सूजी। तो हमें बारीक वाला रवा या सूजी चाहिए, अगर नहीं है तो इसे ग्राइंड कर लें और अच्छे से बारीक वाला ही आपको लेना है। बस इसे गर्म दूध में डालकर हमें इसी तरह से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और जब ये अच्छे से पूरी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी गांठे नहीं पड़नी चाहिए, आप अच्छे से मिक्स करें इसे। अब चीनी और सूजी को हम अच्छे से इसमें पूरी तरह से मिक्स करने के बाद बस इसे हम इस तरह से ढक देंगे किसी ढक्कन से और 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने छोटे साइज़ का पॉट लिया है और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और डस्टिंग कर देंगे थोड़ी मैदे से। अच्छे से इस तरह से डस्टिंग करें और ये देखिए, बचा हुआ को हमने इस तरह से थोड़ा टूटी फूटी लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। इस तरह से मैदे की कोटिंग करने से क्या होता है कि जो टूटी फूटी है वो एकदम तले पे जाकर नहीं बैठती है, अच्छे से केक में मिक्स्ड रहेगी ये। तो ये देखिए, अब 20 मिनट से 25 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही इलायची एसेंस। आपके पास इलायची है घर में तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मनपसंद कोई एसेंस भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, वैनिला, फ्रूट एसेंस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करते हुए हमने इसे अच्छे से फेंटा है, 8 से 10 बार अच्छे से फेंट ले। उसके बाद एक छोटे चम्मच हम इसमें इनो डालेंगे। तो इनो फ्रूट सॉल्ट हम 1 टीस्पून इसमें डाले हैं और यहाँ पर जो हमने टूटी फूटी कोट करके रखा था उसको भी डाल दिया है और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बैटर कितना फ्लफी सा हो गया है। अच्छे से पूरी तरह से इसे मिक्स कर लें। ये देखिए, मिक्स करने के बाद जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से हल्का हो जाता है। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और मिक्स करके इस तरह से डायरेक्ट हम इसे डाल देंगे जो भी मोल्ड हमने रखा है केक टिन तैयार करके। अब थोड़ा टूटी फूटी हम इसके ऊपर भी डाल देंगे, ये देखिए, और थोड़े से बादाम या पिस्ते जो भी हो आपके पास वो भी कट करके इस तरह से डाल सकते हैं ऊपर में। मैं सिर्फ यहाँ पे पिस्ते डाल रही हूँ। इसी तरह से कोट करके ही डालें ऊपर, तब ये ऊपर इसी तरह से अच्छी सुंदर लगेगी जब हमें इसे पकाएंगे। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने प्लेट इस तरह से रखा है और इसे 5 मिनट तक प्रीहीट कर लिया था। तो अब बनाए गए केक टिन को हम इसके अंदर रख दिए हैं और ढककर हम इसे लो हीट में बेक करेंगे। ग्लास लीड अगर यूज़ कर रहे हैं तो, अगर होल हो उसे तो होल को कवर करके ही इसे ढकें। अब इसे हम ढक कर छोड़ देते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे। तो ये देखिए, 35 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे खोल कर देख रही हूँ और अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, स्टिक इंसर्ट करके मैंने देखा, स्टिक जो है एकदम अच्छे से क्लीन आ रही है, बिल्कुल भी इसमें किसी स्टिक नहीं हो रही है। तो इसी तरह से जब स्टिक क्लीन आने लगे तब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अगर आपकी स्टिक क्लीन नहीं आ रही है तो आप थोड़ा देर 5 मिनट और ढककर रख सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे तभी हम केक को अनमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, साइड से एजेस को इस तरह से निकाल लिया है मैंने। अब मैं इसे आपको पलट कर दिखाती हूँ। थोड़ा टैप कर लेंगे हम ऊपर और ये देखिए, कितनी आसानी से जो केक है अच्छे से निकल चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट और यमी केक बनकर तैयार हुई है। देखिए, काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना स्पॉन्ज केक बनकर तैयार हुआ है, वो भी बिना घी, बिना ऑयल, बिना मलाई, बिना मिल्क पाउडर का। और टेस्ट भी आप इसका करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।